अच्छा जी, क्वेश्चन देखें। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डीमेरिट गुड एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन हाउ अ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर कैन इंप्रूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मार्केट फॉर शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स। ऊपर लिखा है ये डीमेरिट कमोडिटी है। आई थिंक इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस जहां पे हम पहले डीमेरिट गुड बताएंगे और इनलास्टिक और उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर प्राइस इंक्रीज कर देंगे। वही फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज करते हैं। क्या करिए सर, काउंटरिंग राइट दैट इंपोर्ट्स विल सीम रिलेटिवली चीप सो इंपोर्ट्स माइट नॉट रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट्स विल सीम रिलेटिव, इंपोर्ट्स चीप होंगी तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। हाँ, डोंट राइट डेफिसिट। अच्छा ये सब सुन लें, अगर आप कहते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड को नुकसान हो रहा है तो नोन से बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चलाए, बोला बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो जाएगा। हाँ ये बात सही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन करेगा और एग्रीगेट डिमांड कम होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो हम तो वो मान रहे हैं कि ऐसा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने हमेशा यूज किया है कि हम पहले प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम बताएंगे डीमेरिट गुड का, डीमेरिट गुड एक्सप्लेन करेंगे ओवर प्रोड्यूस ओवर कंज्यूम अंडर चार्ज, और फिर हम क्या करेंगे एम बताएंगे कि हम प्राइस कम करना बढ़ाना चाह रहे हैं, क्वांटिटी कम करना चाह रहे हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के दिखाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स से प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी डिक्रीज करके दिखा देंगे। आई थिंक इट्स वेरी समथिंग दैट वी हैव डन मेनी टाइम्स। एक्सप्लेन द लाइकली इफेक्टिवनेस ऑफ अ पॉलिसी ऑफ इंपोजिंग मिनिमम प्राइसेस ऑन डीमेरिट गुड्स एंड वन अदर पॉलिसी टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड कंसिडर विच पॉलिसी इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल। सो यू कैन टॉक अबाउट, देखो सवाल क्या मतलब क्या है, आप बताएं मिनिमम प्राइस से डीमेरिट गुड कैसे रोकी जा सकती है और एक और पॉलिसी बता दें। सो आप मिनिमम प्राइस पहले लगाएंगे, उसकी इफेक्टिवनेस बताएंगे। हाँ उसे किसी ने इसका पूछा था कॉम्पनसेशन का। अच्छा तो हम मिनिमम प्राइस लगाएंगे और उसकी इफेक्टिवनेस दिखा देंगे, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए वी कैन टॉक अबाउट अवेयरनेस कैंपेन। सही है, अवेयरनेस कैंपेन किस तरह से काम करती है। अभी जो मैंने एक और पेपर करवाया, इससे पहले कराया है, मैं आपको पेपर दिखाया था, कौन सा नॉट दिस कौन सा पेपर था यार वो? हाँ ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ये वाला ये देख लो, विंटर 1922 है, इसके भी यूट्यूब पे वीडियो है, इसका ये वाला पार्ट देख लेना कि अवेयरनेस कैंपेन किस तरह से जनरेट की जाती है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड के अभी इस वाली पार्ट को दोबारा जरूर देखो, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन वाली बात आपको समझानी तरीके से आनी चाहिए। इसको मैंने समझाया था कि अवेयरनेस कैंपेन का आंसर किस तरह से लिखा जाएगा कि हाँ, जिस तरह मैंने इसमें बताया था कि अवेयरनेस कैंपेन से हम क्या करेंगे, हैज़र्ड ऑफ डीमेरिट गुड बताएंगे, इससे डिमांड कम होगी और डिमांड किस तरह से कम होगी, इसका पूरा प्रोसेस बताया था। चाहिए तो इसलिए डू वॉच दिस दिस पर्टिकुलर वीडियो जो नवंबर 19 का सेकंड वेरिएंट की वीडियो मैंने उसमें लिखी दी है, उसको जरूर देखो, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात कि अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये चीज़ आपने बहुत ये चीज़ पढ़नी है आपने लास्ट। सो यहाँ पर आप अवेयरनेस कैंपेन वाला और मिनिमम प्राइस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। 3A बहुत आराम से हो जाएगा, साथ साथ पढ़ते रहो ताकि यू नो के भाई आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जा रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सईडी कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, सही है, एंड दोज दैट हैव नो रिलेशनशिप एनी परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आई थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अंदर साइन पे भी कमेंट करना है और साथ में मैंने कहा था वैल्यू की बात भी करते ना। एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ फॉल इन एवरेज इनकम्स ड्यूरिंग अ रिसेशन, डिस्कस टू द एक्सटेंट टू व्हिच द कॉन्सेप्ट ऑफ वाईडी एंड पीडी माइट बी यूजफुल टू एन एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमी एंड कंसिडर व्हिच वुड बी मोर यूजफुल। इससे बिल्कुल पिछले वाले पेपर में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कराया। ये वाला क्वेश्चन 3B सही है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, बेशक
ये तो पीडी और एक्सीडी का है, आप पीडी और वाईडी का भी आ सकता है, किसी तरह का भी आ सकता है, तो दिस अगेन इज समथिंग दैट यू शुड लुक एट। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना इनको देखते रहो, एक तो विंटर 20 का फर्स्ट वेरिएंट का मैं कह रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो, और एक मैंने आपको बोला है नवंबर 19 का सेकंड वेरिएंट का ये क्वेश्चन 3B, सही है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत तरीके से देखो। ये पेपर तो बोलता है। अच्छा जी, हम लोग फिर मार्च कर लें।